जॉब ड्यूरिंग पी ये एक ऐसा डाउट होता है हम सभी के दिमाग में वंस वी विल ट्राई टू गेट रजिस्टर्ड इन द पी दिमाग में एक ऐसा डाउट होता है इफ आई गेट द जॉब देन वट हैपन वट आर द रूल्स क्या होगा हमारे साथ अगर हमारे कोई अच्छी जॉब लग जाती है एंड वी हैव एन ऑप्शन टू चूज अ जॉब और अ पी देन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेंगी आज वो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिनकी जॉब लगी और पीएचडी छूट गया या फिर पीएचडी हो गया सो दिस इज इजैडमी प्लेटफॉर्म यू कैन ज्वाइन अस फॉर द फ्री लाइव क्लासेस यहां पे ऑल कॉमन सब्जेक्ट जनरल टॉपिक अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर टीचिंग एयर देखिए हमने यहाँ पर क्राफ्टिंग अ विजन फॉर योर डॉक्टोरल एडवेंचर किया था उसके बाद चूजिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे यूनिवर्सिटी चूज करें एंड नाउ द सीरीज ऑफ क्लासेज स्पेशली ऑन द मास्टर क्लास ऑन प्लानिंग एंड राइटिंग योर फर्स्ट पब्लिकेशन ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये दो तीन सीरीज रहेगी सो प्लीज़ बी एक्टिव ज्वाइन दिस क्लासेस फॉलो माई पेज सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन की नेक्स्ट क्लास कौन से आने वाली है द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना फॉलो कर देना जिससे कि कोई भी नेक्स्ट मास्टर सीरीज की क्लास आपसे मिस ना हो सो हेलो एवरी वन टूडेज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ड्यूरिंग पी एच डी वंस वील गेट रजिस्टर्ड तो ऐसा नहीं है कि वील जस्ट डू ओनली पी एच डी बिकॉज एज हाइस्ट डिग्री वी ऑलवेज सर्च फॉर सम जॉब्स स्पेशली द परमानेंट जॉब द गवर्नमेंट जॉब्स सो होता क्या है वी रेगुलरली अप्लाई द जॉब्स और लक्कीली वील गेट एन ऑफ़र फॉर एन इंटरव्यू फॉर एन एग्जामिनेशन थ्रू विच वी कैन गेट अ जॉब ऑफर और हो जाता है ये किसी भी स्टेज में हो सकता है लाइक like, हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन आ जाए है ना सेकेंड ईयर के अंदर ऑप्शन आ जाए थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर या हम सबमिट करने वाले हों तब या फिर हम जब रजिस्टर लें तब कभी भी किसी भी ड्यूरेशन में किसी भी फेज में आपके पास नॉक नॉक हो सकता है जॉब का और ऐसा हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है करेक्ट कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट जरूर कर देना मैं सारे डाउट आज के इस वीडियो में आपके क्लियर करूंगा सी फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया रजिस्ट्रेशन लेने के बाद डीआरसी मीटिंग के बाद आपका टॉपिक डिसाइड होता है गाइड डिसाइड होता है एंड ऑल द थिंग्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर योर पी विल बी कैरी ऑन नाउ वॉट हैपन उसके बाद यू हैव टू गो फॉर द कोर्स वर्क विच इज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर द यू जी सी अगर आप पी एच डी कर रहे हो सो यू मस्ट है टू सेमिस्टर कोर्स वर्क तो आपने कोर्स वर्क किया दोनों कोर्स वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट किए एंड नाउ यू आर इन्वॉल्व टू ऑपटेन योर ऑब्जेक्टिव अभी लकी आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अगर जॉब ऑफर आ जाता है तो क्या रूल हैं सी सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान से सुन लो व्हाट इज दिस ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम आपने कई यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस में ये चीज देखा होगा द पीएचडी ड्यूरेशन विल बी अ मिनिमम ऑफ थ्री ईयर्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ सिक्स ईयर्स अगर ऐसा नहीं देखा है तो आप कोई भी प्रॉस्पेक्टस उठा लो दिस इज द कॉमन रूल ऑफ यू जी सी आई कैन सेंट्रल स्टेट या किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी हो दिस रूल इच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो वॉट अ मिनिमम ड्यूरेशन दैट इज द थ्री ईयर्स एंड इंक्लूडिंग द कोर्स वर्क द कोर्स वर्क इस तीन साल के अंदर इंक्लूड होता है और छह साल से ऊपर नहीं होना चाहिए दैट इज द ड्यूरेशन अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट कुछ लोग बोलते हैं कि अरे नहीं सर कोर्स वर्क के बाद आर यूनिवर्सिटीज इज़ आप जाओ देल अलाउ यू कि जाओ यू कैन गो एंड डू योर जॉब आप दूसरी जगह चले जाओ वहाँ काम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आप आ सकते हो सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट गलती से भी कोई भी ऐसा बोल रहा हो सो डोंट गेट बिलीव और डोंट गेट लाइक फस मत जाना इस सब चीज़ों के अंदर कोर्स वर्क इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल पीरियड वो फर्स्ट ईयर के अंदर जनरली खत्म हो जाता है हो सकता है सेकेंड में हो सकता है थर्ड में हो बट रेसिडेंशियल पीरियड के अंदर में वो कोर्स वर्क हो जाएगा अब वॉट इज रेसिडेंशियल पीरियड रेसिडेंशियल पीरियड मीन्स आपको तीन साल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर रहना है रेगुलरली रहना है इंक्लूडिंग द कोर्स वर्क वॉट डज दिस मीन्स आपकी अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए यू कैनॉट डू एनी जॉब यू कैनॉट डू एनी लाइक कोर्स कुछ लोग बोलते हैं हम बी एड ज्वाइन कर लें सर हम ये कोर्स ज्वाइन कर लें हम डिप्लोमा कर सकते हैं सो नो विद इन दिस रेसिडेंशियल पीरियड यू आर नॉट सपोज टू डू एनी थिंग तो ये तीन साल का रेसीडेंशियल पीरियड हो गया सो यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है दैट ईच एंड एवरी स्कॉलर is प्रेजेंट फुल टाइम ऑन ऑल वर्किंग डेज जितने भी वर्किंग डेज हैं वो डिपार्टमेंट में आ रहा है साइन कर रहा है 75 परसेंट हो एटी परसेंट हो दैट कंप्लीटली फाइन वो छुट्टी है लीव एक्सेप्टेबल होती है दैट ऑल बट आपको रेगुलर आना है दिस इज कॉल्ड रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स तो अब अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको तीन साल तो रहना ही रहना है अभी बहुत सारे दिमाग क्वेश्चन uh, आ रहे होंगे दिमाग में लाइक like, कि फर्स्ट ईयर में मेरी जॉब लग जाए सेकेंड ईयर में जॉब लग जाए अभी मैं सारे क्लियर कर देता हूं सी इफ द कैंडिडेट में टेम्परेरी डी रजिस्टर हिमसेल्फ इफ ही गेट अ रेगुलर जॉब इन एनी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विद ड्यू रिकमेंडेशन ऑफ डी आर सी एंड अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज अगर उसको uh, बोलते हैं टेम्परेरी विदड्रॉल एक होता है टेम्परेरी विड्रॉल तो अगर आपको टेम्प्रेरी विड्रॉल लेना है तो रेसिडेंशियल पीरियड पूरा करना पड़ेगा अब दो कंडीशन आती हैं टेम्प्रेरी विड्रॉल आप तीन साल के बाद लो तो आपने रेसिडेंशियल पीरियड पूरा कर लिया है तो आप आराम से टेम्परेरी विड्रॉल ले सकते हो आप टेम्प्रेरी विड्रॉल ले लो डी मीटिंग में अप्रूव करा लो और अपनी गवर्नमेंट जॉब जाके ज्वाइन कर लो then the thing is that within next नेक्स्ट years, within I'm saying within अगले दो साल के अंदर आपको वापस आके अपनी पी एच डी के रिक्वायरमेंट्स अपनी पी एच डी किसी भी टाइम आके सबमिट कर सकते हो अगर एक महीने के अंदर आपका सुपरवाइजर मान जाता है तो आप आओ सबमिट करो प्री पी एच डी दो सबमिट करो दैट्स ऑल यू कैन गो बैक इज दैट क्लियर तो ये तब हुआ जब आप तीन साल खत्म कर चुके हो टेम्परेरी विड्रॉल लिया जाके जॉब ज्वाइन की और विद इन नेक्स्ट टू ईयर्स एक साल डेढ़ साल के बाद वापस आए ज्वाइन कर लिया अब सेकेंड केस अगर आप दो साल के बाद नहीं आ पाते हो देन वॉट हैपन तब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको री रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा री रजिस्ट्रेशन मतलब आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जैसे ही यूनिवर्सिटी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है देन अगेन यू हैव टू कंप्लीट दिस रेसिडेंशियल पीरियड कोर्स वर्क एक्सेप्ट कर लेगी यूनिवर्सिटी बट तीन साल रेसिडेंशियल पीरियड आपको ले करना पड़ेगा दोबारा सो दिस इज द प्रॉब्लम आई कैन से दो साल के अंदर आप वापस आके एक महीने की छुट्टी ले लो एक महीने के अंदर सब कुछ खत्म करो गो बैक टू योर परमानेंट जॉब दिस इज द मेन थिंग अब अगर तीन साल से पहले जॉब ऑफर आ गया भाई जॉब ऑफर तो कभी भी आ सकता है ना बोलते हैं कि कभी भी नॉक नॉक हो सकता है गेट के ऊपर यस yes, होना चाहिए मैं तो बोलता हूं आप रोज अप्लाई करो जॉब्स सो सपोज अगर तीन साल के अंदर हो गया सो नाउ इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर डी आर सी रिकमेंडेशन एंड योर गाइड रिकमेंडेशन अगर वो आपको अलाउ करेगा तो आप डी रजिस्टर डी रजिस्टर करोगे अपने आप को वापस आओगे एंड वापस आने के बाद तीन साल रजिस्ट्रेशन पीरियड पूरा करोगे पूरा तीन साल करना ही पड़ेगा सपोज फर्स्ट ईयर में आपने डी रजिस्ट्रेशन कर लिया सेकेंड ईयर में आप वापस आए देन अगेन दो साल आपको रुकना पड़ेगा कंप्लीटेड एज एन रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट इज दैट क्लियर फाइन और इस केस में क्या होता है एक पे रिटेंशन फीस होती है वो आपको देनी पड़ती है कैंडिडेट को सिंपल सी फीस है वो आपको देनी पड़ती बिकॉज आप रिटेन कर रहे हो उस स्पिटुलेटेड पीरियड टाइम पीरियड के अंदर बिकॉज आपकी पोजिशन रिटेन कर रही है यूनिवर्सिटी तो आपको एक रिटेंशन फीस देनी पड़ती है एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स अब क्या होगा अ कैंडिडेट में डी रजिस्टर अप टू वन ईयर बिफोर द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ हिज और हर पी एच डी ड्यूरेशन और डी रिक्वेस्ट शुड बी रूटेड थ्रू प्रॉपर चैनल डी री रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट है वो एक प्रॉपर चैनल डीआरसी से जाएगी देन ओनली यूनिवर्सिटी विल अलाउ यू कि आप डी रजिस्ट्रेशन करो री रजिस्ट्रेशन करो अदरवाइज आप एग्जाम दो दोबारा पीएचडी के अंदर एंटर करो कोर्स वर्क करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट एक, एक टाइम है उस फ्रेम के अंदर आप आ सकते हो विद प्रॉपर चैनल अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अ मैक्सिमम ऑफ एन एडिशनल टू ईयर्स मे बी गिवन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ री रजिस्ट्रेशन स्पेशल केस ओनली री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस में मिलेगा वो भी वाइस चांसलर के अप्रूवल के बाद कुछ स्पेशल केस है आप फोर्सेज में चले गए हो या आप नेशनल सिक्योरिटी में हो या कुछ ऐसा रीजन है है ना तो वो पीरियड एक्सीड आठ साल से तब भी नहीं करना चाहिए एट ईयर्स अब स्पेशल केस में हो गया है पहले टोटल एट ईयर्स था नॉर्मल वो अब सिक्स ईयर्स हो चुका है और जो स्पेशल केस वाला है वो एट ईयर हो गया है तो जो वो एडिशनल एट ईयर्स हुआ है दिस इज फॉर सम फीमेल पी एच डी स्कॉलर्स और द पर्सन विद डिसबिलिटी मे बी अलाउड एन एडिशन रिलैक्सेशन ऑफ टू ईयर्स फॉर जस्टिफाइड ग्राउंड अगर डी आर सी और वी सी अप्रूवल देगा तो वो छः साल का पीरियड एट ईयर्स का होगा अदरवाइज नहीं होगा करेक्ट <coughs> तो एक्सीड हो सकता है बट नहीं भी रजिस्टर्ड रिसर्च स्कॉलर कैन नॉट परस्यू टू फुल टाइम और रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हम पी एच डी करें हम बी एड कर, कर लें हम कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ में सो आइडियली एन आइडियली रजिस्टर्ड स्कॉलर कैनॉट परस्यू टू फुल टाइम रेगुलर रेगुलर में ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कोई भी एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम आप नहीं कर सकते ड्यूरिंग दिस पीरियड हाँ एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम नहीं है सपोज आपने कोई योगा क्लासेस कर ली कोई जिमनास्टिक क्लासेस कर ली कोई स्पोर्ट्स का कर लिया दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट बट एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम आप नहीं कर सकते हो इस रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर सो so, अब ये बताओ इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग जॉब ड्यूरिंग पी एच डी देन लेट मी नो क्लियर योर डाउट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं जस्ट एडमिशन ले ले रहे हैं और जॉब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि खत्म ना हो तो आप अगर इस टाइप की किसी स्टेज पे हो तो कमेंट जरूर करो आई डेफिनेटली सॉल्व योर इशू सो थैंकू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर योर कॉमेंट फॉर योर लव एंड सपोर्ट विच यू ऑल आर गिविंग टू मी सो आई गेस इट इज नाउ कंप्लीटली क्लियर वॉट हैपन्स इफ आई गेट अ जॉब ड्यूरिंग पी एच डी फॉलो कर लेना नोटिफिकेशन बेल ऑप्शन ज़रूर दबा देना सो दैट इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ कोई भी मिस नहीं हो थैंक यू हैवे नाइस डे बाय टेक केयर